चलो आओ देखते हैं मिलके दोनों लोग, है ना। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा बना। देखो तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी बेटा किस चीज़ की, लॉग एम माइनस लॉग एन की, है ना। लगेगी नहीं लगेगी प्रॉपर्टी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लॉग और एम डिवाइडेड बाई एन, तो 4a माइनस 3 डिवाइडेड बाई बेटा कितना 3, है ना। होगा कि नहीं होगा। हाँ और सर, लॉग बेटा यहाँ पर a प्लस 1। अब देखो लॉग लेफ्ट साइड में भी लॉग राइट साइड में, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा कितना, 4a माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो क्या करो, डिवाइडेड बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड कराओ। तो 3 का मल्टीप्लाइड किसके साथ में बेटा, a प्लस 1 के साथ में, और ये 4a माइनस का 3, है ना। ये हो जाएगा हाँ कितना, 3a प्लस का 3, और ये हो जाएगा बेटा कितना, 4a माइनस का 3। देखो तो क्या करो, वेरिएबल को एक साइड कर लो, नॉन वेरिएबल को एक साइड, है ना। तो 3 प्लस 3, और ये हो जाएगा कितना बेटा, 4a माइनस का 3a। तो ये हो जाएगा बेटा 6 इज इक्वल टू कितना, a। तो a की बेटा वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 6। दैट इज अवर आंसर। कोई दिक्कत है इस पे, मैं क्या जल्दी तो नहीं बता गया मैं, क्या सर, जल्दी तो नहीं बता गया मैं, मतलब सोल्यूशन जल्दी तो सॉल्व नहीं कर दिया, हाँ जल्दी सॉल्व कर दिया, थोड़ा स्लो करूं, इतने स्पीड में चलेगा। चलेगा ना। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा दिया है 2 log y माइनस का बेटा कितना, लॉग एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये दिया ना क्वेश्चन, कह हाँ सर, रहा है एक्सप्रेस एक्स इन द टर्म ऑफ वाई, मतलब एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो तो 2 log y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3, ठीक है ना। तो लॉग एक्स को तो हम इधर कर नहीं सकते, ठीक है। हालांकि एक काम कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। देखो इसको लोग लॉग वाई लिख लो, और वाई की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस का लॉग एक्स लिख लेते हैं अब, ठीक है। क्या बेटा कोई दिक्कत है इस पे। अब देखो नहीं यहाँ पर सर, भी लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो लॉग वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3, है ना। हाँ सर, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो बेस में 10 तो होगा ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना, 10 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना, 10 की पावर 3, यानी कितना बेटा, 1000। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है बेटा, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ वाई, तो एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में दिखाना है, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू। कोई दिक्कत है, नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर, अभी ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूं, प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, देखो लिखा है कि लॉग बेस में 10 125, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 3 1 माइनस बेटा कितना, लॉग बेस में 10 इंटू 2, है ना, है कि नहीं है। हाँ सर, हमको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो प्रूफ करना है, तो हम दोनों साइड लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हम एक साइड ही लेके सॉल्व करें, या तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। चलो तुम एक साइड लेके सॉल्व करोगे कि दोनों साइड लेके सॉल्व करोगे, सर दोनों। दोनों साइड लेके सॉल्व करोगे। चलो देखो तुमको दोनों मेथड समझाता हूँ, तुमको जो अच्छा लगेगा, ठीक है ना, वो तुम हाँ अडॉप्ट सर, करो, ठीक है। देखो अगर तुम दोनों साइड लेके सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कितना, लॉग 10, और ये हो जाएगा 125, ठीक है ना। और ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस का 3 log 10, और यहाँ पर 2, है ना। तुम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 माइनस का log बेस में 10 और 2 की पावर 3, है ना। और यहाँ हो हाँ जाएगा बेटा log 10, और ये हो जाएगा 125, ठीक है ना। सर, चलो देखो हम लोग इसको एक तरफ ला लेते हैं, तो log बेस में 10 125,
और प्लस बेटा ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, लॉग बेस में 10 और ये हो जाएगा 8, है ना, इज इक्वल टू 3, है ना। देखो तो पता है बेटा लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना, हाँ तो लॉग सर। एम इंटू एन, तो लॉग बेस बेटा कितना 10 और 125 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा बेटा 125 बाई 8, सॉरी 125 मल्टीप्लाइड बाई 8 1000 ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हाँ सर 10 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 लॉग बेस में 10 इंडेक्स में भी 10, तो 3 इक्वल टू 3 नहीं हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। हाँ सर। एक तो मेथड ये है, दूसरी मेथड भी बनाऊं? नहीं सर चलेगा, ठीक अरे दूसरा मेथड भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो है सर, दिखा दो। दूसरा मेथड देखो, तो एक साइड ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक है ना। तो LHS में क्या हो जाएगा बेटा, लॉग 10 बेस में और 125, है ना। देखो तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा ये बताओ, पाई का क्यूब लिख सकते 5 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 10 और ये हो जाएगा 5 का क्यूब, है ना। तो ये 3 बाहर आ जाएगा और लॉग बेटा कितना हो जाएगा, 10 बेस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बट देखो आंसर में तो हमारे पास कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, है क्या क्या हमारे सर। पास आंसर में, हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है कहीं पर, है क्या आंसर में ऐसा कुछ। नहीं तो आंसर में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमें आंसर के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइव को और कुछ लिखा जा सकता है, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 5 डिवाइडेड बाई लॉग 10, है ना, लिख सकते हैं क्या। बट इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा ना, कुछ ऐसा सॉल्व करूं जिससे हो जाए। देखो 8 इसका फैक्टर तो यही बनेगा, कुछ अलग तो बनेगा नहीं। नहीं रहने दो, इसी मेथड से सॉल्व करो इसको, फिर सोचेंगे, ठीक है, जान दो, है हाँ ना, कहीं के लिए इतना दिमाग लगाए, ये ठीक है ना। सर।